हमारे पास बहुत से माइनर्स हैं, आज हम देखेंगे इसमें से बेस्ट माइनर कौन सा है और किसके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये रॉकेट की तरह से जो दिख रहा है माइनर्स, इधर से देखिए कितना बड़ा है। ये है E9 Pro जो कि इथेरियम क्लासिक माइन करता है। ये मशीन महीने का लगभग 1500 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। आज के डेट में 38,000 रुपये का ये इथेरियम क्लासिक माइन कर रहा है E9 Pro, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख के आसपास है। इसे ये है अंट माइनर S19 हाइड्रो, ये 191 टेराइस की मशीन है ये, और ये 3 फेस कनेक्शन से चलती है। ये बिटकॉइन माइनर्स है जो कि लगभग 4000 यूनिट्स एक महीने का कंज्यूम करेगा। ये 5.5 किलोवाट की मशीनें हैं। ये लगभग 53,000 से 55,000 रुपए के आसपास माइनिंग कर रहा है आज के डेट में, लेकिन आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं, बिटकॉइन माइनर्स की मशीनें हैं, तो अगले महीने हालविंग भी आने वाली है, तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये 25,000 से लेके 55,000 के बीच में ये माइनिंग करेगा। तो फिलहाल ये जिनकी बिजली मांगी उनके लिए तो प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनकी बिजली काफी मांगी है उनके लिए ये है अंट माइनर L7, देख सकते हैं L7 9050 मेगाहर्ट्ज़ है अंट माइनर L7। इस समय काफी डिमांड में ये मशीन है, लगभग 6-7 लाख रुपए कीमत हो चुकी है इसकी, और ये लाइट कॉइन डॉज कॉइन माइनर्स है। लगभग ये इस समय आज के डेट में 70,000 रुपये महीने का लाइट कॉइन डॉज कॉइन जनरेट कर रहा है, और 3500 वाट होने की वजह से लगभग ये 2500 यूनिट बिजली लेगा हर महीने का। तो आपकी बिजली ये थोड़ी महंगी भी है तो भी आप बिजली का बिल देने के बाद भी इस माइनर से 40-50 हज़ार रुपये आप जनरेट कर सकते हो मंथली प्रॉफिट। उसके बाद फिर से आ गया ये वर्ट्स माइनर जो कि एक बिटकॉइन माइनर्स है। आप जानते हैं हालविंग आ रही है, तो इसमें एग्जैक्ट आज के डेट में जो है 28,000 का बिटकॉइन माइन कर रहा है, लेकिन अगले महीने हालविंग आ जाएगी, तो आप ऐसे मान के चलो कि 14 से 28 के बीच में ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटीज है मंथली। पर ये पावर कंजप्शन इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए माइनर सस्ते हैं, 1,30,000 के आसपास में आते हैं, 1,20,000-30,000 के ये मशीनें आती है। यदि आप बिजली का बिल माइनस करते हैं जो कि 2200 से 2400 यूनिट ले लेगा, बिजली का बिल माइनस करते हो तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आप माइनस में चले जाओगे। तो आज के डेट में 28,000 की माइनिंग कर रहा है। ये देखिए ये जो है M30S प्लस मॉडल है, ये यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे 96 टेराहर्ट्ज़ की। ये माइनर देखिए यहाँ पे, ये वर्ट्स माइनर M30S है, तो ये इससे थोड़ा सा लो वर्जन है, ये थोड़ा 10,000 सस्ता भी पड़ेगा आपको, ये 10,000 महंगा पड़ेगा। बाकी टेराहर्ट्ज़ लगभग सेम है, ये 94 है, ये 96 है, इसमें 96 भी आते हैं। तो ये बिटकॉइन माइनर्स है, अभी के टाइम में इस महीने में प्रॉफिट दे रहा है आपको 28,000 के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आप इसका एवरेज लेके चलिए कि 14 से 28,000 के बीच में 14-15,000 हो जाएंगे हालविंग के बाद, और ये 2200 यूनिट लेता है बिजली, तो 2200 यूनिट के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा आप बिजली का बिल पे करते हैं तो माइनस में जाएगा। तो ये रहा कुछ, जैसे ये इथेरियम क्लासिक वाले माइनर्स हैं, ये हाइड्रो है, ये लाइट कॉइन माइनर्स है L7, ये बिटकॉइन माइनर्स है, ये छोटे माइनर्स हैं जिनकी बिजली सस्ती है वो ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बेस्ट एसिक माइनर इस समय, ये हमेशा बेस्ट नहीं रहेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्रिप्टो करेंसी में उछाल और डाउनफॉल आएगा, वैसे ही ये माइनर्स प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो फिलहाल आज का ये था अपडेट, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।